हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको ठीक है यहाँ पे टॉप जीके क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लेने नहीं लिए, जितने भी क्वेश्चन जल्दी लिए इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, स्टैटिक जीके और आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी लिए देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं ले पाए। ठीक है, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो वैसे डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को। अब ये भाई कहाँ के हैं, का इनका कुछ देखिए, न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक हैं। अब इसका ये पूछ लीजिए कहाँ के निवासी हैं, तो भाई न्यूयॉर्क के हैं। ठीक है, अब ये बुकर पुरस्कार जीते हैं तो इसका मतलब ये लेखक होंगे, तो ये स्कॉटलैंड न्यूयॉर्क के स्कॉटलैंड के ये लेखक हैं। इनका नाम क्या है, डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया है। ठीक है, 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। ठीक है, चलो भाई, और इन्हें यह पुरस्कार किसके लिए मिला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह इन्हें पुरस्कार सगबी बैन ए सॉरी सग्गी बैन लिख लेना कहीं कॉपी में, इनको पुरस्कार सग्गी बैन के लिए दिया गया। ठीक है, उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित त्यौहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स है? 61 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा, क्या होगा 61 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे लाई हरोबा यहाँ पे, जिसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गार्ड्स। ठीक है, अब भाई लाई हरोबा कहाँ का है नृत्य, मतलब कहाँ का उत्सव है मनाया जाता है जहाँ पे, तो वो मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरह लिख दिया अब मणिपुर का। ठीक है, यह नृत्य है जो प्राचीन रूप से जो मणिपुर में सभी शैलियों के नृत्य के रूप में आधार पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि लाई हरोबा जो है मणिपुर का है, यह प्राचीन समय से मनाया जा रहा है, काफ़ी समय से। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताइए बस केवल। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सिंपल क्वेश्चन युवराज, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? 63 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, करनाल में वैसे स्थित है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। ठीक है, 63 का ए पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन फिर से बता दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लेखक आपके युवराज सिंह है। प्रथम भारत रत्न किसे मिला है? 64 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रथम भारत रत्न किसे मिला है? सीवी रमन को मिला था वैसे तो यहाँ पे 64 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, और 1954 में मिला थे ना। ठीक है, चलो भाई, वैसे 1954 में तीन लोगों को मिला था, ठीक है, जिसमें सीवी रमन भी शामिल थे, और दो लोगों के नाम जान लीजिए, सीवी राजगोपालचारी, ठीक है, और एस राधा कृष्णन शामिल थे। ठीक है, ये टोटल तीन होगा। ठीक है, 1954 में मिला था, इन तीन लोगों को मिला था प्रथम बार भारत रत्न। ठीक है, चलो भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च कहाँ पे है? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, याद कर लेना इंपॉर्टेंट। पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए इस बार, तो जितने लिए कम समय में ख़त्म भी हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगी ज़्यादा आपका। ठीक, कम क्वेश्चन है तो कम समय लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, डिटेल से बताते चलेंगे। पर कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, तो 66 नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बी पार्ट, मणिपुर है। लेकिन ये तीनों साझा करते हैं, त्रिपुरा, असम और मेघालय साझा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ सीमा जो साझा नहीं करता है वो मणिपुर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, चलो अगला देखते हैं। ये तंबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा क्या होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की बात है, तो यहाँ पे बी पार्ट है, असम। ठीक है, असम राज्य को वैसे नया नाम असम रख दिया गया है। ठीक है, और असम की राजधानी दिसपुर है, सब पता होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं जरा। भारत के विभाजन के समय जो समय रेखा खींची गई वह कहलाती थी? 68 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, तो सी पार्ट वैसे राइट है, रेडक्लिफ रेखा के वो क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई, हाँ, एक और ये कि मैकमोहन रेखा अक्सर आपसे पूछी जाती है, मैकमोहन रेखा जो वो यहाँ पर रुक जाए, पहले राइट ऑप्शन आपका सी है, तो इसको बता दे रहे हैं, ये आपके किस में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सीमा अगर पूछा जाए, मैकमोहन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछी जाती है, इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। और ये भी है कि ये थोड़ा ड्यूरंड रेखा भी पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। ठीक है,
तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपका। और भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा होती है, ठीक है। चलो भाई इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या, मतलब संख्या सर्वाधिक है। चारों ऑप्शन को देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की यहाँ पे ए पार्ट रहा है, उत्तर प्रदेश भाई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अपना, तो वैसे 403 है संख्या, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं जरा, 70 हरित क्रांति के जनक कौन है भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, 70 नंबर क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। 70 का क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इसको लिख लेना, USA, एक मिनट रुकिएगा, ये जो हरित क्रांति के वैसे जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं और वो निवासी कहाँ के, USA के, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं, ये क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेना, USA के। चलो भाई अब ये कितने एजी के क्वेश्चन कराना था, 5-6 मिनट हो गए, 5-6 मिनट हो गए लगभग। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।